दोस्त, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू जूमी हैक्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पेपर माइनक्राफ्ट कैरेक्टर टिश्यू पेपर बॉक्स, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बनाने माइनक्राफ्ट कैरेक्टर टिश्यू पेपर बॉक्स बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होगा इस तरीके का A4 साइज शीट, जो कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 साइड में 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद हम अभी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये वाला साइड यहाँ पे हम लोग फोल्ड करते हैं इस तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग इसे फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से प्रेस करेंगे, अच्छी तरीके से प्रेस कर लेते हैं लोग ये इस तरीके से। उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे और ये साइड यहाँ पे फोल्ड करते हैं, ये साइड यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड। उसके बाद ओपन करेंगे और ये कुछ इस तरीके का क्रॉस लाइन हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाला जो मार्क यहाँ पे फोल्ड करते हैं, ये यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, और इसे भी यहाँ पे और इसे भी यहाँ पे ही सेम टू सेम तरीके से फोल्ड करते हैं। इसे यहाँ पे इस तरीके से, इसे भी इस तरीके से, और इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्केल और पेंसिल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हम लोग 4.9 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से 4.9 सेंटीमीटर का मार्क लगा दिया है हमने। उसके बाद ये वाला साइड जो यहाँ पे हमने मार्क लगाया है, वहाँ पे लगा के हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ओपन करेंगे और ये वाला साइड यहाँ पे फोल्ड करते हैं, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देते और यहाँ पे प्रेस कर देते इस तरीके से। उसके बाद इसे भी हम लोग ओपन करेंगे और ये जो मार्क है यहाँ पे, ये वाला हिस्से यहाँ पे फोल्ड कर देते कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे इस तरीके से प्रेस, और उसके बाद ओपन करते और ये वाला साइड भी यहाँ पे फोल्ड कर देते कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओपन करेंगे ये दोनों जो साइड है, इसे हम इस तरीके से ओपन कर देंगे और इसे इस तरीके से। उसके बाद इसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे भी यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये है, ये कुछ इस तरीके से हम अंडर डाल देंगे, ये कुछ इस तरीके से, और इसे भी इस तरीके से, और इसे अच्छी तरीके से हम लोग अंदर डाल देते। इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे और इसे अंदर इस तरीके से। उसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसे यहाँ पे इस तरीके से, और इसे भी इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ग्लू लगाना होगा। सो यहाँ पे ग्लू लगाने के लिए मैंने स्टिक लाया है, मैं स्टिक लेके आया हूँ। यहाँ पे हम स्टिक से यहाँ पे ग्लू यहाँ पे लगा के इसे प्रेस कर देंगे, और इस साइड में भी यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं।
और इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर देते हैं। इसे आप लोग ऐसे रख के यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कीजिएगा, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसे हम लोग साइड में रखते हैं और अभी हमें चाहिए होगा 20x20 सेंटीमीटर का एक पेपर। सो यहाँ पे मैंने 20x20 सेंटीमीटर का पेपर लाया हूँ और इसे भी हम इसी की तरह बॉक्स बनाते हैं। पहले ये वाला साइड यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे और इसे यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस साइड को, यहाँ पे इस तरीके से इसे ओपन करेंगे, इसे यहाँ पे इसे भी यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस तरीके से, इसे भी फोल्ड करते हैं यहाँ पे और इसे भी यहाँ पे। सो पहले हमने मार्क लिया था 4.9 सेंटीमीटर का और यहाँ पे हम लोग मार्क लेंगे 4.7 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इससे छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर का लेंगे। यहाँ पे इसे साइड कर देते और ये वाला साइड यहाँ पे हम लोग फोल्ड करते इस तरीके से, यहाँ पे प्रेस करते और इसे भी फोल्ड करते इस तरीके से, यहाँ पे प्रेस इस तरीके से और इसे भी हम लोग फोल्ड करते यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे फोल्ड करते और ये वाला साइड भी यहाँ पे फोल्ड करते, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फोल्ड करते, इसे ओपन करेंगे, ये दोनों साइड ओपन, उसके बाद इन दोनों साइड को यहाँ पे इस तरीके से प्रेस, इसे भी इस तरीके से प्रेस, उसके बाद ओपन करेंगे और ये साइड यहाँ पे इस तरीके से अंदर जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से, उसके बाद ये वाला साइड यहाँ पे अंदर, हम लोग यहाँ पे प्रेस करते और ये वाला साइड भी सेम टू सेम उसी की तरह बॉक्स बना के ये वाला साइड यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग प्रेस करते ये वाला बॉक्स यहाँ पे इस तरीके से प्रेस और ये यहाँ पे इस तरीके से, इसके बाद ये वाला साइड अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स बन चुका है। सो हम लोग इस बॉक्स के अंदर इसे डाल के देखते, तो ये इस तरीके से अंदर खुल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मार्क से यहाँ पे हम लोग कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को इस तरीके से क्रॉस से कट कर लिया है। अभी हमें चाहिए होगा इस तरीके का टिश्यू पेपर का स्ट्रिप, उसके बाद हम इस टिश्यू पेपर को इस तरीके से लेंगे, दो टिश्यू पेपर लेंगे और इसे यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसे यहाँ पे इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसे लेंगे, एक और टिश्यू पेपर के स्ट्रिप को लेंगे, उसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से
और उसके बाद ये वाला टिश्यू पेपर लेंगे, इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद एक और टिश्यू पेपर लेंगे, उसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम टिश्यू पेपर लेते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अभी हमें ये टिश्यू पेपर को उठाना होगा, उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से अंदर डालना होगा। सो उसके बाद हमें ये दो इस तरीके से अंदर डालना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे से कुछ टिश्यू पेपर पहले निकालना होगा, तभी ये निकलते जाएगा। सो ये हम अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। सो हम कुछ टिश्यू पेपर निकालते हैं। सो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर निकाल लिया, अभी हम इसे अंदर डालते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर निकल रहे हैं। अभी हमें माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें मार्कर से यहाँ पे ब्लैक कलर भर देते हैं। सो अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर लगाते हैं। सो हम पूरा कलर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर का फेस को पूरा कलर कर लिया, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आपको ये माइनक्राफ्ट कैरेक्टर टिश्यू पेपर बॉक्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा।